दर्शक मित्रों डेली बोडेली न्यूज में आप सबनो हार्दिक स्वागत करू छू। मईदीन खत्री। दर्शक मित्रों जमियते उलमा हिंद वडोदरा द्वारा कौमी एकता उदाहरण पूरु पाड़वामां आव्युं छे। जी हाँ दर्शक मित्रों बोडेलीना असरग्रस्त रजानगर अने दीवान फळिया विस्तार में जमियते उलमा हिंद वडोदरा अने जमियते उलमा हिंद डभोई द्वारा मोटी संख्या में कीटों वितरण करवामां आव्युं छे। जेमां जमियते उलमा हिंद गुजरातना सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती इमरान डेरीवालानी सरपरस्ती में बोडेलीना असरग्रस्त इलाका रजानगर अने दीवान फळियामां कोईपण जातनुं ना जात भेदभाव वगर हिंदू परिवार अने मुस्लिम परिवारोने 500 थी वधारे कीटोनुं वितरण करायुं छे। घरेलू राशन सामान जेवा के घऊं चोखा लोट तुवरदार चा खांड सुवा माटे गादला चारसा कपड़ा चप्पल बिस्किट सहितनुं वितरण करवामां आव्युं छे। જ્યારે જમિયતે ઉલમા હિંદ ગુજરાતના જનરલ સેક્રેટરી પ્રોફેસર નિસાર અહેમદ અંસારી, જમિયતે ઉલમા હિંદ ગુજરાતના સેક્રેટરી અસલમભાઈ કુરેશી, જમિયતે ઉલમા હિંદ વડોદરાના ટીમ, જમિયતે ઉલમા હિંદના ડભોઈના પ્રમુખ હાફેજ ચકરિયા નિસારભાઈ ખત્રી, હાફેજ જિલ્લા સત્તરવાળા મકબૂલ મુલ્લા સહિત ડભોઈ જમિયતે ઉલમા હિંદની ટીમ, ભરૂચના સામાજિક કાર્યકર્તા અબ્દુલભાઈ કામતી સહિતના યુવાનો દ્વારા 500થી વધારે કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે 17-18 લાખ રૂપિયાની આ કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સૌપ્રથમ તેઓ દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ જેના પાસે કાર્ડ હતું કાર્ડ આપવામાં આવ્યું હતું અને કાર્ડ બાદ દરેક ઘર દીઠ યુવાનોની ટીમ બનાવી ઘરે ઘરે આપી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। ये बोडेली रजानगर में कुछ दिनों पहले ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब आया तो जिन मकानों में ज़्यादा नुकसान हुआ उनकी सहाय के लिए बड़ोड़ा और डभोई से जमियत उलमा हिंद बड़ोड़ा शहर और डभोई से 500 मकान की ज़रूरत की चीज़ें लेकर हम लोग पहुँचे और अभी रजानगर और इससे दीवान नगर ये दोनों इलाकों में हमने कीटें तकसीम की। एक कीट में घर की ज़रूरत का सारा सामान है, जैसे अनाज की कीट है उसमें गेहूँ है, आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, इस तरह और भी चीज़ें हैं, ऐसे गद्दे हैं, तकिए हैं, चादर चोरसे हैं, ये सब चीज़ें एक कीट में शामिल थी। ऐसे हमने 400 से ज़्यादा कीटें अल्हम्दुलिल्लाह बोडेली में तकसीम की, जिसमें रजानगर है, दीवान नगर, इन इलाकों में तकसीम की। इसके अलावा हमने यहाँ पर रजानगर में एक कैंप भी किया, साथ में हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी है, एम्बुलेंस भी है। ये इसलिए कि पूर की वजह से ज़्यादा बीमारी फैले नहीं, बीमारी का अंदेशा ना हो, इसलिए हम साथ में डॉक्टर्स भी लेके आए, दवाई भी हमारे साथ थी और यहाँ के ज़रूरतमंदों को फ्री में दवाएँ भी दी और ये सामान भी दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद खलीक मुल्ला वाला।